This video contains explanation of topic types of chemical reaction from chapter number one chemical reactions and equations for class ten chemistry science. So there are five type of chemical reaction, but in but in this video we will discuss only combination reaction, the first type of reaction here. So there are five type of chemical reactions that we study. कॉम्बिनेशन रिएक्शन डी कम्पोजिशन रिएक्शन डिसप्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन सो पांच तरीके की हमारी केमिकल रिएक्शन होती है उनमें ये लिखे हुए नाम उनके कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना लेते हैं एक प्रोडक्ट बनाते उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जहाँ पे एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जहाँ पे एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर दो कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह ले लेते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन सो हियर वी विल डिस्कस इन डिटेल कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्शन इन विच टू और मोर सबस्टांसिस कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटांस और कोल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन कि वो रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और क्या बना लेते हैं एक सिंगल सब्सटेंस बना लेते हैं उसे क्या बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड्स कैन कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड और एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड कैन कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड तो इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप ऑफ रिएक्शन और ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शन ये कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाती है या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना लेते हैं या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना लेते हैं वो सब किस में आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है सो एग्जाम्पल गिवर हियर इज ये हाइड्रोजन बर्नस इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बर्न कर देते हैं तो क्या बना लेगा वो वाटर बनाता है मीन इफ वी रिएक्ट हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन प्लस एच टू एच टू प्लस ओ टू गिव एच टू ओ एंड दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन यह कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवस टू मॉलिक्यूल ऑफ एच टू ओ ये ओके hydrogen is a gas g means gas oxygen is a gas and l means liquid h2 is a liquid so in this reaction 2 elements hydrogen and oxygen are combining to form single compound water so this is an example of a combination reaction So, this example a combination reaction see the next type of next example is ammonia reacts with hydrogen chloride to form ammonium chloride so, if we react ammonia, the molecular formula of ammonia is NH3 and hydrogen chloride is HCl. So, when ammonia reacts with HCl, it produces ammonium chloride. NH4 is ammonium and Cl is chloride. So, bana leta hai? ammonium chloride? Bana leta hai. Then, in this reaction, two compounds ammonia and hydrogen chloride combine together to produce. A new कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड सो दिस is also ए combination रिएक्शन इस रिएक्शन में भी आपने देखा कि दो कंपाउंड क्या कर रहे हैं uh, मिलके अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड है वो एक नया कंपाउंड बना रहे हैं तो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे कम्बिनेशन रिएक्शन का और यहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स ही कम्बाइन हो रही थी इससे पहले एग्जाम्पल के अंदर तो यहाँ पे दो कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बना लेते हैं so these are the example and this is the combination reaction in which two or more elements or two or more compound or one element and a compound combine together to form a new compound then such type of reaction are known as combination reaction